गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं चंद्र प्रकाश आज आपके लिए डिस्कस करूंगा इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन के वो क्वेश्चन जो जेई मेंस 2019 और 2020 में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन से, तो ये पहला क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है और जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये एक्स स्क्वायर माइनस वन आपको बार बार दिख रहा होगा, साथ में बाहर एक्स और डी एक्स भी है, राइट। तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं कि हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं लिख देता हूँ थीटा, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx इज इक्वल टू डी थीटा। इस 2 को उठा के उधर ले चलते हैं अपन, और ये सब्सिट्यूशन करके जब हम इसमें रख देंगे तो चीज़ें देखने में थोड़ी आसान हो जाएगी, राइट। और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। अब अपना इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, ये x इस dx के साथ मिलके क्या बनेगा, डी थीटा बाई टू। तो बच्चों ये हो गया डी थीटा बाई टू, अंडर रूट में देखिए क्या आएगा, ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, यानी ऐसी टर्म हो जाएगी 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ओके। और अब यहाँ दोनों जगह से हम देखो 2 साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, ऊपर और नीचे से वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, इस हाफ को तो मैं बाहर छोड़ देता हूँ, इस वाले 2 को, या 2 साइन थीटा कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, देखो 1 माइनस ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। पहचानते हैं आप ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसका अंडर रूट भी है, तो ये बन जाएगा टेन थीटा बाई 2 और डी थीटा। इस हाफ को भी यहीं ले लेते हैं, है ना। तो अब देखिए, तो डी थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में अगर हम टेन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन करें तो वो क्या आएगा, लॉग सेक थीटा बाई 2 प्लस सी, दैट्स ऑल। यहां अब आप सेक थीटा बाई 2 की वैल्यू डाल लो, तो सेक थीटा बाई 2 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, तो आपका आंसर है देखो सेकंड। वैसे गौर से देखा जाए तो सेकंड और थर्ड दोनों आंसर सेम भी है, देखिए क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये पावर 2 बाहर आके कैंसिल आउट हो गई, दोनों ऑप्शन सेम बन जाएंगे, तो बाई मिस्टेक इसमें दो ऑप्शन सही थे, सेकेंड और थर्ड। चलिए अगले सवाल पे आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स आपको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई। ऐसा करते हैं, देखिए इसमें हम लगा देते हैं बच्चों, यहाँ देखो अगर मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ किसको, मॉड ऑफ कॉस एक्स के क्यूब को, तो बताओ क्या एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जो है आप यहाँ पुट करोगे, तो ये बनेगा कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स होता है, मॉड लगा हुआ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वापस से एफ एक्स ही आ जाएगा। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्वीन रूल, आई होप क्वीन रूल आप सबको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और वो ये है कि इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है लिमिट 0 से पाई बाई 2 और 2 टाइम मॉड ऑफ कॉस एक्स का क्यूब और डी एक्स, सही है। यहाँ पे अगर ये पाई है तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स अगर एफ एक्स है तो उस लिमिट को हम आधा कर सकते हैं और इंटीग्रेशन को डबल कर सकते हैं ऐसे। अब देखो बच्चों भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो उस पर मॉड लगाने की कहाँ जरूरत है, तो ये मॉड हट जाएगा और आपको मिला कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। और अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप चाहे तो इसका इंटीग्रेशन कर लें, चाहे तो इसमें डायरेक्टली यूज कर लें बच्चों वॉलिस फार्मूला, 0 से पाई बाई 2 में तो वॉलिस फार्मूला लगा लेते हैं, तो कितना आएगा देखिए, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ आएगा 3 2, बस 2/3, तो इसका आंसर हो गया बच्चों 4/3, सो आंसर इज 4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये लीजिए भाई, टेन थीटा अपॉन 2 के सेक थीटा डी थीटा इक्वल टू, देखिए इसको साइन कॉस में बदल डालो जल्दी से, ऐसा हो जाएगा 0 से पाई बाई 3, ये हो गया देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये टेन थीटा हो गया ना, ये रूट 2 के को तो बाहर निकालो ऐसे। अब यहाँ देखो रूट सेक थीटा का मतलब 1/√ कॉस थीटा, तो कैंसिल आउट हो गया, ऐसा बन जाएगा बच्चों साथ में डी थीटा। अभी क्या करना है आप समझ सकते हो, कॉस थीटा को हम टी मान लेंगे, राइट, और ये ऐसा हो जाएगा देखो 1/√2 के, ये तो है ही अपनी जगह, इसको तो छेड़ो ही मत, क्या कर रहे हैं हम, कॉस थीटा को मान रहे हैं टी, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा विल बिकम डी टी, तो
तो ये हो गया माइनस डी टी डिवाइडेड बाय रूट टी। अच्छा लिमिट भी चेंज हो जाएगी, देखिए थीटा का वैल्यू 0 डालोगे तो टी का वैल्यू 1 आएगा, पाई बाई 3 डालोगे कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 डिग्री कितना होगा हाफ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हाफ। ओके इस लिमिट को सीधा कर लेते हैं इस माइनस को यूज करके, तो ये 1 बाय रूट 2 के हो गया, सुनते रहिएगा ध्यानपूर्वक है ना, और लिमिट हो जाएगी अब हाफ से 1। ओके बच्चों, और 1 बाय रूट टी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 रूट टी। ओके चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, सो 1 बाय रूट 2 के इंटू 2 माइनस रूट 2 ऐसा बन जाएगा। रूट 2 से अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं ताकि अपने को कंपैरिजन में आसानी हो, यहाँ पे देखिए तो 1 बाय अंडर रूट के रूट 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा रूट 2 माइनस 1। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखें तो अगर के का वैल्यू क्या लें कि 1 माइनस 1 बाय रूट 2 आ जाए, तो के का वैल्यू आप क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो गए, बस खत्म हो गया ना। के का वैल्यू क्या लेना चाहिए हमको 2 लेना चाहिए, तो आपका आंसर है 2 यानी फर्स्ट आंसर है। आई होप समझ में आ गई होगी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट, ये देखिए ये बड़ा क्या कहूँगा इसको कि ये बहुत रिपीटेड यूज होने वाला क्वेश्चन है। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, देखो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ठीक है लेस देन इक्वल टू 2 टाइम। अब यहाँ x माइनस वाई की पावर 3/2 है, तो उसमें से मॉड x माइनस वाई से दोनों साइड डिवाइड कर लो, मॉड है पॉजिटिव टर्म है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा नहीं, यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई की पावर हाफ। ठीक है बच्चों, अब दोनों साइड में ना लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट y टेंस टू x, तो इधर भी लगा देते हैं लिमिट y टेंस टू x। तो जैसे आप y टेंस टू x लगाएंगे, ध्यान से देखिए इस क्वांटिटी को है ना, ये ऊपर क्या डिफरेंस इन y और ये क्या डिफरेंस इन fx और ये है डिफरेंस इन x। व्हेन y टेंस टू x अगर आपको याद हो तो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, यानी आपको ये मिलेगा बेसिकली f डैश x का मॉड। इधर देखिए इसमें जैसे y टेंस टू x लगाओगे दिस विल बिकम 0, तो एफ डैश का मॉड 0, आप जानते हो मॉड 0 या 0 से छोटा है, मॉड्यूलस कभी 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, सो द ओनली पॉसिबिलिटी कि ये 0 के बराबर हो, तो यहाँ से आपको ये मिलेगा बच्चों कि एफ डैश एक्स जो है ना वो 0 होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सीधी सी बात है एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो एफ एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट होगा। अब देखिए सवाल में आपको ये भी दिया हुआ है कि एफ ऑफ 0 1 है, तो 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब सब जगह वैल्यू 1 आएगी, तो एफ एक्स 1 होगा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो 0 से 1 1.dx तो ये 1 आ जाएगा, तो आंसर सही है आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू दिस। ओके ये भी बहुत पॉपुलर फॉर्म है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, आपको इस तरह से ब्रैकेट में एक टर्म मिलती है और ऊपर dx के साथ में कुछ मल्टीपल में है, तो पहला तो ये कोशिश करते हैं कि इसको टी मान के देखें कि ऊपर dt बनता है क्या, नहीं बन रहा है फिलहाल, इसका डिफ्रेंशिएशन ये नहीं है। फिर क्या करो, यहाँ से देखो x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, यानी इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से x पावर 7 बाहर निकाल रहा हूँ, तो 1 अपॉन x पावर 5 प्लस ठीक है प्लस 1 अपॉन x पावर 7 प्लस 2 और बच्चों उसकी पावर है 2, देखिए बाहर आएगा x पावर 14 है ना, यहाँ स्क्वायर है इसलिए x पावर 14 से ऊपर भाग दे दो तो 5 डिवाइडेड बाय 14 और ये है 8, तो 6 बचेगा नीचे ऐसे प्लस 7 डिवाइडेड बाय 8 और dx, तो ये इंटीग्रेशन को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम। और अब आप देखिए कि इसको t मान लिया जाए, अगर मैं मान लेता हूँ बच्चों 1 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 7 प्लस 2 को मैं मान लेता हूँ t, तो माइनस 5 अपॉन x पावर 6 और माइनस 7 अपॉन x पावर 8 माइनस कॉमन ले लो, dx बराबर हो गया dt, यानी कि इस इंटीग्रेशन को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम माइनस dt अपॉन t स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 बाई टी प्लस सी। 1 बाई टी क्या होगा, t
टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो, देखो ये रहा, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई पुट करके पुट कर दूँ जैसे, तो ये ऐसे बन जाएगा एक्स पावर सेवन ऊपर हो जाना है, नीचे हो जाना बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टाइम एक्स पावर सेवन प्लस सी। तो ये है अपना फंक्शन एफ एक्स। अब इन्होंने क्या बोला, देखो कि एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो अगर आप इसमें पुट करोगे तो इससे आपको ये सी का वैल्यू जीरो मिल जाएगा, तो ये एफ एक्स बच गया। अब एफ ऑफ वन निकालना है, तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, देखो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टू फोर, सो वन बाय फोर विल बी द राइट आंसर। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर सिक्स। इफ आई इज मिनिमम देन द ऑर्डर पेयर ए बी इज, ये कह रहा है इस इंटीग्रेशन का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ कैसे करोगे, देखो यहाँ बेसिक जो मीनिंग है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। स्पेशली बोलूँ तो मैं एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय कर्व, क्योंकि हम एरिया का साइन भी कंसिडर करते हैं, अगर एक्स एक्सिस के नीचे हो तो नेगेटिव साइन और एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव साइन के साथ, उस एरिया को लेने पर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर होता है। देखो यहाँ जो फंक्शन है ये जिसका कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये है बच्चों x पावर 4 माइनस टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो केयरफुली तो ये ऐसे है x स्क्वायर माइनस टू, यानी एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू 0 पे 2 पे और रूट टू पे 0 होती है। ध्यान से देखिए 0 इसका डबल रूट है ना, x स्क्वायर दो फैक्टर x और x जो 0 बनाते हैं, तो इसका जो ग्राफ है 4 डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ इस टाइप से होता है कुछ, है ना। और ये देखिए इस टाइप से ग्राफ होगा कि ये पॉइंट होगा जीरो, एक्स बराबर जीरो, यानी ये है वाई एक्सिस, दिस इज जीरो जीरो, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी और डबल रूट है ना, इसका मतलब यहाँ पे टच करेगा ये इस लाइन को, और ये होगा रूट टू कॉमा जीरो पॉइंट, और ये होगा माइनस रूट टू कॉमा जीरो। तो ये ग्राफ की नॉलेज से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो ये कह रहा है मैं इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू मिनिमम आए, राइट। आप देख रहे हैं कर्व का कुछ पोर्शन नीचे भी है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ तो कौन सा एरिया ले हम? तो देखो अगर आप यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी वैल्यू आएगी नेगेटिव साइन के साथ, तो ये सबसे मिनिमम है। अगर आप इससे आगे जाओगे तो कुछ प्लस में ऐड होने लग जाएगा, राइट। तो इसलिए ए का वैल्यू होना चाहिए माइनस रूट टू और बी का वैल्यू होना चाहिए रूट टू, दैट्स ऑल। ओके, तो माइनस रूट टू से प्लस रूट टू में इंटीग्रेट करने पर मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन पे। ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करो तुम बच्चों, यहाँ से कॉमन ले लो साइन पावर एन थीटा को। चलिए मैं करता हूँ, देखिए कैसे करना है। हाँ जी, इंटीग्रेशन आई बराबर, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं साइन पावर एन थीटा को, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन माइनस वन अपॉन साइन टू द पावर एन माइनस वन थीटा टू द पावर वन बाई एन, कॉस थीटा तो है ही बाहर, यहाँ से बाहर आएगा साइन पावर एन उसकी पावर वन बाई एन यानी साइन थीटा, और वो यहाँ डिवाइड होके और इसको बना देगा साइन टू द पावर एन थीटा साथ में डी थीटा, ये हो गया इंटीग्रेशन। और अब इसका बेनिफिट देखो हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई वन माइनस वन अपॉन साइन टू द पावर एन माइनस वन थीटा, इसको तुम मान लो बच्चों टी की पावर एन, करेक्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो माइनस तो है ही अपनी जगह, इसको ऊपर लोगे तो ये माइनस का एन माइनस वन है, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस एन माइनस वन, और साइन पावर माइनस एन प्लस वन तो है ही, तो माइनस वन करेंगे कैंसिल आउट होके, नीचे बचेगा साइन पावर एन थीटा, और फिर साइन का होगा तो बचेगा कॉस थीटा डी थीटा बराबर एन और टी पावर एन माइनस वन डी टी। तो चलिए अब इसको यूज करते हैं, देखो ये बन गया टी, ये टर्म तो क्या बन गई टी, ये सारी टर्म देखिए ये कॉस थीटा डी थीटा अपॉन दिस, ये बन गया एन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है, और t की पावर n माइनस वन, ये मिला के t की पावर n हो गया, जिसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा n n माइनस वन, ये है ही, और t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस में c। तो देखिए कौन सा आंसर सही हो गया, भाई ये सब मिला के हो गया n अपॉन n स्क्वायर माइनस वन, और t का वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ वापस से और उसकी पावर n प्लस वन कर लूँ
तो अपने को मिलेगा बच्चों 1-1 अपॉन साइन टू द पावर n माइनस वन थीटा, उसकी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस सी। नाउ चेक आउट द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, n n स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन मैच कर रहा है बिल्कुल। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके एफ डैश हाफ इज, एफ डैश हाफ निकालना आपको। चलो आओ पहले तो एफ एक्स निकालते हैं। देखिए अब देखो एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो मैं कर नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, तो उससे क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया एफ एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और इधर हो गया 1 वाले अपर लिमिट, यहाँ 1 है तो उसका तो हो जाएगा 0, और लोअर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर और एफ एक्स। आई होप आप सबको पता है डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम इंटीग्रेशन को। यहाँ से बच्चों तुम्हें एफ एक्स की वैल्यू मिल गई कितनी, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या कैलकुलेट करना है, एफ डैश एक्स। तो बच्चों एफ डैश एक्स निकाल लो, देखो कितना हो जाएगा, नीचे तो जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा वो बताता हूँ देखिए, और ऊपर आना चाहिए सॉरी 0 2 0 1 0 1, ऊपर आएगा माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1, ये आएगा ठीक है, और प्लस 2 सॉरी। और अपने को वैल्यू कहाँ निकालनी है, हाफ पे, तो एफ डैश हाफ। ये मैंने क्या किया, ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, बाकी आप डिवीजन रूल से सॉल्व कर लीजिएगा, यही मिलेगा अपने को। हाफ अगर मैं पुट करता हूँ 1/4 + 1 5/4, स्क्वायर करोगे 25/16 जो ऊपर चले गए, यहाँ आ जाओ ऊपर क्या बचता है भाई, हाफ डालो 1/4 तो माइनस हाफ 2 - 1/2 यानी 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 और 3 ये हो गया भाई 24/25, तो आपका आंसर सही है 4th। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9। ओके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसा सवाल है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर और बॉक्स ऑफ साइन एक्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ रख लेते हैं, लैंग्वेज का कोई फर्क पड़ता नहीं है, सीधे सीधे इंटीग्रेशन करना, सबको समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों क्या है, बॉक्स आ गया ना, तो आपको इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा हर उस पॉइंट पे जब बॉक्स के अंदर इंटीजर बनता है, तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ सुनना बहुत है ना, लिखेंगे हम कम से कम। तो -π/2 से आगे चलते हैं, तो अगला इंटीजर आएगा 1 - 1 सॉरी, तो -π/2 से -1 में देखेंगे इसको, फिर +1 से 0 में देखेंगे, फिर 0 से 1 में देखेंगे, और फिर 1 से π/2 में, चार पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने प्रॉपर्टी लगा ली है ना, चार जगह ब्रेक कर दिए इसको, अब सुनते रहना ध्यान से, करना फिर आपको है। -π/2 से -1 में है देखो x का वैल्यू, ठीक है बच्चों, तो इस केस में बॉक्स x क्या हो जाएगा, -2 यानी कि 1/-2, ठीक है। बॉक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू कहाँ होगा इस पोर्शन में, आपने देखा ही होगा साइन एक्स ऐसा होता है -π/2 से यहाँ पे, तो ये -1 से 0 के बीच में, तो इसका बॉक्स हो गया -1 और +4, तो कुल मिला के बच्चों ये 1 ही बन गया है ना, तो हटा ही देता हूँ इसको, सीधे लिख देता हूँ, यहाँ पे बनेगा 1.dx। यहाँ क्या बनेगा सुनना ध्यान से, -1 से 0 के बीच में इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 0, 0 से पहले साइन एक्स का वैल्यू तो वही -1 से 0 के बीच में है, तो ये तो 0 ही बने, तो -1, 0 और 4 कितना हो गया मिला के 1/3, तो ये हो गया 1/3, नहीं सॉरी ये -1 बोलना था मैंने ना, -1 से 0 में -1 बनेगा, तो कितना हो गया 1/2 dx। आगे आते हैं 0 से 1 के बीच में, देखो 0 से लेके पूरे π/2 तक साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसका बॉक्स तो 0 हो जाएगा, यानी अगले दोनों में ये क्वांटिटी तो 0 होगी, इसकी वैल्यू जरूर चेंज होगी, 0 से 1 में ये 0 होगा तो बचेगा 1/4, 1 से π/2 में ये 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 मिला के 1/5 हो गए, और ये dx हो गया। अब ये बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है, यहाँ बैठे हुए सभी लोग बहुत ईजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखें क्या होगा, 1 है ना, तो ये हो जाएगा -1 और +π/2 इसका इंटीग्रेशन, तो
सीधे सीधे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो, वन का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ बार निकाल लो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे वन आ जाएगा, वन बाई फोर बाहर निकाल लो ये भी वन बन जाएगा, वन बाई फाइव बाहर निकाल लो पाई बाई टू माइनस वन बन गया। ठीक है भाई, अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो देखो यहाँ देखो वन बाई फाइव पाई बाई टू और प्लस के पाई बाई टू, तो ये हो गया वन बाई फाइव प्लस वन, सिक्स बाई फाइव पाई बाई टू, यानी कि सिक्स बाई फाइव पाई बाई टू, इसको हम लिख देते हैं थ्री बाई फाइव पाई, सिक्स बाई फाइव पाई बाई टू। ठीक है, अब विदाउट पाई वाली टर्म देख लेते हैं क्या है। देखिए माइनस वन और माइनस वन बाई फाइव, माइनस वन और माइनस वन बाई फाइव मिल के हो गया माइनस का सिक्स बाई फाइव। ठीक है, और बच्चों ये वन बाई फोर और वन बाई टू मिल करके हो गया थ्री बाई फोर। अब ऐड करोगे एलसीएम आ जाएगा कितना, ट्वेंटी, और कितना बचेगा देखिए, माइनस के ट्वेंटी फोर प्लस के फिफ्टीन, माइनस ट्वेंटी फोर और प्लस के फिफ्टीन, तो माइनस का नाइन बचेगा, तो माइनस नाइन। तो ये अपना आंसर है जिस तरह से लिखा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा है ना। तो कॉमन ले लेते हैं हम ट्वेंटी को, यार इसी में केवल एक ट्वेंटी कॉमन दिख रहा है, तो चेक करें इसको, ये है ट्वेल्व पाई बाई ट्वेंटी, तो वो भी ट्वेल्व पाई है और अंदर माइनस नाइन है। ठीक है, बस यही सही है। चलिए जी नेक्स्ट आंसर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर टेन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो कैसे करेंगे, ई की पावर माइनस फोर एक्स क्यूब दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक्स पावर फाइव में से एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया, एक्स क्यूब को अलग कर लिया, साथ में डी एक्स ऐसे लिखता हूँ इसको पहले तो। ठीक है, अच्छा देखो फोर एक्स क्यूब, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, तो माइनस ट्वेल्व यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे माइनस फोर भी लिख देता हूँ ऐसे, तो देखा जाए तो यहाँ 48 से मल्टीप्लाई किया है, तो 48 से डिवाइड भी कर देता हूँ, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। अब आप समझ गए होंगे कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस फोर एक्स क्यूब को टी मानने वाला हूँ, माइनस फोर एक्स क्यूब को टी मानते ही ये सवाल ऐसे हो जाएगा, वन बाई 48 इंटीग्रेशन ऑफ टी ई की पावर टी डी टी। ओके, और अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा ले, ठीक है, और तो इसका इंटीग्रेशन हो गया वन बाई 48 और ई की पावर टी, और t माइनस वन का इंटीग्रेशन होता है बेसिकली। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ वैल्यू पुट करके वापस से, वन बाई 48 ई की पावर माइनस फोर एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस वन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस वन, सेकेंड ऑप्शन सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए लिमिट आपको दिख रही है माइनस टू से टू, जब भी आपको लिमिट माइनस टू से टू दिखे तो ये चेक करो कि अंदर जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूँ बच्चों और मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूँ तो वो क्या आएगा, देखिए साइन माइनस एक्स का स्क्वायर तो वापस से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन पाई और प्लस हाफ, और माइनस एक्स अपॉन पाई को हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स माइनस एक्स अपॉन पाई को लिख सकते हैं, माइनस वन माइनस एक्स अपॉन पाई बॉक्स और प्लस हाफ। और अब आप इसको ध्यान दीजिए ये कैंसिल होके वापस इसी का नेगेटिव आ रहा है, माइनस एफ एक्स आ रहा है इसे, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड, और ऑड फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करें माइनस ए से ए में तो वो आता है ज़ीरो, तो इसका आंसर आएगा ज़ीरो, दैट्स ऑल। ओके, अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बेहद आसान सा सवाल है, यहाँ से ना एक्स स्क्वायर बाहर निकाल के इसको ऐसे लिख दो, अंडर रूट वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन वन बाई एक्स क्यूब और डी एक्स, लेट्स ऑल, लेट वी टेक वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस यू गॉट माइनस टू बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी। टू की कहानी टू से ख़त्म हो गई, और ये सवाल आपका ऐसे हो गया माइनस टी और डी टी, टी डी टी सॉरी, तो कुल मिला के टी स्क्वायर डी टी। देखो ये टी बन गया, ये बन गया माइनस टी डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी, तो ये कितना हो गया माइनस टी क्यूब बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री टी क्यूब प्लस सी, सो वॉट विल बी द टी क्यूब, टी क्यूब इसका क्यूब करोगे तो मिलेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री बाई टू सी, सो फाइनली यू कैन राइट माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्स वन माइनस
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी. सो इफ यू कंपेयर दिस विद दिस देन यू गॉट स्मॉल m इज इक्वल टू 3 बेसिकली. यहाँ से देखिए इसको कंपेयर करो, ए एक्स ये हो गया -1/3 एक्स स्क्वायर. कैलकुलेट क्या करना, ए एक्स की पावर m यानी इसकी पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, -1/27 एक्स पावर 6 ये रहा स्क्वायर है ना, हाँ तो 6 आएगा. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. ये भी बेहद आसान सा सवाल हैगा, राइट. कैसे करते हैं सवालों को हम, इस x प्लस 1 को दो पार्ट कर लो सीधे सीधे, ठीक है. एक तो हो गया दो पार्ट भी जस्ट अ मिनट कैसे करें, देखो इस x प्लस 1 को ऐसे लिखो 2x माइनस 1 और प्लस 3 और हाफ. यहाँ पे देखो ध्यान दो, सही है ये 2x प्लस 2 है, 2 से डिवाइड किया. और ऐसा मैंने क्यों किया है भाई, क्योंकि अब मैं इसको सेपरेट करने वाला हूँ और इसको दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, हाफ के साथ में इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इससे डिवाइड करोगे अंडर रूट 2x माइनस 1 और प्लस 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस 1 dx dx. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. हाफ तो देखो अपनी जगह है ही, टी पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी पावर हाफ यानी टी पावर हाफ, तो टी पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी कि 2/3 और 2x माइनस 1 पावर 3/2. फिर यहाँ पे चूंकि x का कोफिशियंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे प्लस इधर आ जाओ 3 और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2√t, तो आपको मिलेगा 2√t यानी 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आल्सो. ये 2 भी इस 2 से कैंसिल आउट हो गया है. देखिए अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इस पैटर्न में लाना है तो रूट 2x माइनस 1 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंडर रूट 2x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचेगा बच्चों, 3 ये बचे, इसको मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे तो 6 हो गए इससे मल्टीप्लाई होके, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ बचेगा प्लस के 339, तो कुल मिला के ये हो गया 2x प्लस 8, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 4/3 रूट 2x माइनस 1, ये रहा जी आपका आंसर, x प्लस 4/3 है ये, है क्या, ये रहा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. साइन 2x टेन 5x प्लस कॉट कैसे करें, तो आओ देखो ट्राई करते हैं कैसे करें. देखिए इस 2 साइन x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा π/6 π/4 दिस टर्म कैन बी रिटन 2 साइन x cos x और 10 टू द पावर 5x प्लस cot टू द पावर 5x और dx, ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को हम, राइट. और अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 10x को t मानने वाले हैं, और वो मैं कैसे मानूंगा, यहाँ पे मैं cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ cos स्क्वायर x ऐसे कर देता हूँ, तो cos स्क्वायर x ऊपर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x. तो अगर मैं सॉरी हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मैं t मान लेता हूँ 10x को, तो ये इंटीग्रेशन हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए dx अपॉन cos स्क्वायर x, ये तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx यानी कि dt. इस 1 इस 2 को तो बाहर छोड़ देते हैं, ये sin x cos x ये तो बन गया t है ना, और ये 10x तो ये हो गया t की पावर 5 और ये cot 5 है ना, ये 1 अपॉन t की पावर 5 हो गया बच्चों. यहाँ लिमिट देखिए π/6 डालोगे, 10 π/6 कितना होता है, 10 π/6 होता है 1/√3, 10 π/4 होता है 1, तो ये मिला अपने को. चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ये रहे तो कोशिश करते हैं कि इतनी सी जगह में हम इसको सॉल्व कर पाए. अब देखो इसको कैसे कर रहा हूँ मैं, ये पावर 5 है ना,
तुम यहाँ से टी पावर फाइव को कॉमन ले लो, तो ये बन गया हाफ, और देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको, वन प्लस वन अपॉन टी पावर टेन इंटू टी पावर सिक्स और डी टी, और लिमिट है वन बाई रूट थ्री से वन तक। ओके बच्चों, यहाँ देखो लेट वी टेक वन अपॉन टी पावर फाइव, इसको मैं मानता हूँ यू, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस फाइव अपॉन टी की पावर सिक्स डी टी, दैट मस्ट बी इक्वल टू डी यू। आइए लिमिट तो हम इधर चेंज कर ही लेंगे, वन बाई टू अपनी जगह है, डी टी अपॉन टी पावर सिक्स कैन बी रिटन माइनस डी यू अपॉन फाइव, तो माइनस डी यू अपॉन फाइव, तो फाइव इस वन को बना देगा, टू को बना देगा टेन, यानी माइनस वन बाई टेन हो गया इंटीग्रेशन। ये टर्म हो गई वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वेयर हो गया, वन बाई रूट थ्री को अगर आप यहाँ पुट करो तो वो होगा रूट थ्री की पावर फाइव, रूट थ्री की पावर फाइव हो गया बच्चों नाइन रूट थ्री, सो यू गॉट नाइन रूट थ्री हियर, और वन पुट करोगे तो वन ही आएगा ऐसे। ये पहचान गए आप, ये टेन इनवर्स यू हो गया, तो ये हो गया भाई वन बाई टेन और टेन इनवर्स यू, इसमें लिमिट के नाम पे आपको वन से नाइन रूट थ्री रखना है, मैंने लिमिट चेंज कर लिया, माइनस यूज कर लिया है, तो ये हो गया वन बाई टेन और टेन इनवर्स नाइन रूट थ्री, करेक्ट, माइनस टेन इनवर्स वन दैट इज पाई बाई फोर। चेक करिए ऐसा ऑप्शन है अपने पास कोई, पाई बाई फोर माइनस में आ रहा है मेरे पास, एक मिनट चुकी, कोई लगता है प्लस माइनस का कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई, बिल्कुल हो गई है ना, पाई बाई सिक्स तो वन बाय रूट थ्री हुआ और वन हो गया, दैट्स ऑल गुड। उसके बाद जब मैंने टी का वैल्यू ये रखा तो ये मिला नाइन बाय रूट थ्री से वन, और ये माइनस डी टी बना, दैट्स करेक्ट, और टेन इनवर्स नाइन रूट थ्री, ये माइनस को यूज़ किया मैंने इसलिए लिमिट को चेंज करके लिखा ना यहाँ पे, तो नाइन रूट थ्री ऊपर आ गया, टेन इनवर्स नाइन रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स फाइव बाई फोर, यार ये दोनों ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहे हैं ना, अब ज़बरदस्ती मैच करवाएंगे भाई, देखो कैसे करवाएंगे, अब थोड़ा सा आई टी एफ लगाएंगे और क्या है, तो मैं इसको थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ पहले ऐसे, और वो चले जाएंगे तो थोड़ा सा इसको हम इधर ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, आइए अब मेरे साथ देखिएगा। अब देखो आंसर मैच कराना भी अपने आप में एक काम है, तो इसके बाद की कहानी यहाँ है, ठीक है, इधर आ जाओ, वन बाय टेन अपनी जगह है, राइट, इस टेन इनवर्स नाइन रूट थ्री को ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स नाइन रूट थ्री और माइनस पाई बाई फोर, तो अब ये बन गया वन बाई टेन, और देखिए पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर हो गया, और माइनस कॉट इनवर्स नाइन रूट थ्री को मैं लिख लूंगा टेन इनवर्स वन बाई नाइन रूट थ्री। अब देखो जरा, अब है गई ये रहा जी, ओके, तो ये आंसर मैच होगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, एफ एन जी आर कंटिन्यूस फंक्शन इन जीरो टू ए सब दैट, ये तो प्रीवियस ईयर जे ई एडवांस का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ आप लोगों ने किया हुआ होगा सभी ने शायद, तो आइए देखिए मेरे साथ एक बार और कर लेते हम, जीरो आई बराबर है जीरो टू ए एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स, और भाई यहाँ पे आपको एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स के बारे में कुछ बोला गया है, तो डेफिनेटली ए माइनस एक्स कैसे बनेंगे, बाय यूजिंग किंग रूल, तो बच्चों हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किंग रूल, तो आई बराबर हो जाएगा जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ ए माइनस एक्स तो एफ एक्स के बराबर है, सो यू कैन राइट इट जीरो टू ए एफ एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब हम जैसा कि हमेशा करते हैं किंग रूल लगा के मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है, तो इनको आप ऐड कर दो तो आपको मिला टू आई बराबर जीरो टू ए, देखो ऐड करोगे एफ एक्स तो कॉमन आ जाएगा, वहाँ बच जाएगा जी एक्स, यहाँ बचेगा जी ए माइनस एक्स साथ में डी एक्स, और इसका वैल्यू गिवन है बच्चों फोर, ये फोर होके बाहर आ जाएगा, तो आई की वैल्यू हो गई टू टाइम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, दैट्स ऑल।
टू टाइम जीरो टू एफ एस डी एक्स, ये रहा ना सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, ये भी बेहद आसान सा सवाल है, बहुत रूटीन क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें आपको क्या करना है, लॉग एक्स को टी मान लो, तो एक्स बराबर हो गया ई की पावर टी और डी एक्स बराबर हो गया ई पावर टी डी टी, और आपका इंटीग्रेशन अब आपको ऐसे दिखाई देगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी और ई पावर टी डी टी। और इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता हमारे पास, है ना, क्या होता है ई की पावर ए टी एज इट इज, नीचे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैं इसका फार्मूला बोल रहा हूँ ए एक्स कॉस बी एक्स, है ना। तो यहाँ आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो टू हो गया। फिर यहाँ पर आएगा भाई ए यू की वन है यहाँ पे कॉस टी, और बी और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन टी, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, दैट्स ऑल प्लस सी। अब इसमें वापस से वैल्यू डाल दो आप, है ना, एक्स के पैटर्न में, तो ई की पावर टी तो हो गया एक्स बाई टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स। तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, एक्स बाई टू कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स, पहला ऑप्शन ही सही है बच्चों। अगले सवाल पे आ जाओ जल्दी से। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, है ना। यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल लो, एक्स पावर फोर कॉमन निकाल लो, तो ये ऐसे बन जाएगा आई बराबर एक्स पावर फोर कॉमन लोगे ना, यहाँ बचेगा टू प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर का होल स्क्वायर, होल पावर फोर है सॉरी, यहाँ जस्ट आएगा आ गया पावर फोर, ठीक है। बाहर क्या आएगा देखो, एक्स पावर फोर और फोर से मल्टीप्लाई हो गया सिक्सटीन बाहर आ गया, एक्स पावर सिक्सटीन से ऊपर डिवाइड कर दो तो बन गया थ्री अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस टू अपॉन एक्स पावर फाइव और डी एक्स, और बस बात बन गई। अगर आप इस नीचे वाली टर्म को टी मान लेते तो टी की पावर फोर है, ऊपर क्या बनेगा देखिए, माइनस टू और थ्री, तो ऊपर बनेगा माइनस डी टी बाई टू, तो इसको माइनस टू को आप यहाँ चिपका दो ऐसे, दैट्स ऑल। तो क्या हो गया इसका, टी पावर फोर है ये, टी पावर माइनस फोर है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा बच्चों वन बाय सिक्स और टी पावर थ्री प्लस सी। सो देखने से इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है, तो कौन सा सही होगा भाई, टी 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 कहाँ माना था हमने, इसको टी माना था, तो मैं टी पुट करूँगा तो एक्स पावर फोर बाहर आके ट्वेल्व हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है, वैल्यू पुट करके आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। देखो बच्चों, अगर मैं लेता हूँ x बाई ई, ठीक है, इंटू टू एक्स, इसको अगर मैं मान लेता हूँ कि ये u है, पहले इसको समझो ध्यान से, तो बताओ डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, तो वो क्या होगा देखिए, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, कि ये टर्म तो एज इट इज सही है, और साथ में आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ इट्स लॉगरिथम, इसका लॉगरिथम कितना है 2x और log x बाई ई, ठीक है। आइए देखिए क्या बनता है, देखो टू को तो बाहर निकाल दो, और ये हो गया x बाई ई की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन देखो 1x का करोगे तो, और log x बाई ई एज इट इज, अच्छा देखो log x बाई ई को आप log x माइनस 1 लिख सकते हो, है ना, और फिर माइनस x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 1 बाई x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और log x बाई ई को क्या लिख सकते हैं, log x, अच्छा यहाँ प्लस आएगा भाई सॉरी, प्रोडक्ट रूल लगाया ना, ये क्या आएगा log x माइनस log e, log e का वैल्यू 1 हो जाता है तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएंगे तो log x बचेगा, यानी कि 2 टाइम x बाई ई की पावर 2x और log x, ये बनता है। ठीक इसी तरह बच्चों, अगर तुम v मान लेते हो e बाई x की पावर x को, तो dv बाई dx जो है तुम्हारे पास वो आएगा e बाई x की पावर x इंटू log x, ओके ठीक है, ऐसे करके देखिएगा आप। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखूं, तो एक तरह से मुझे क्या दिया गया है, वन बाई ई, और देखो ये एक्स बाई ई की पावर टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ये रहा, ये किसके बराबर, हाफ ऑफ डी यू बाई डी एक्स, दैट इज हाफ ऑफ डी यू बाई डी एक्स, सही है, माइनस, अच्छा ये अभी एक्स की रेंज है ना, इसको चेंज नहीं किया मैंने, माइनस ये e पावर x log x, ये जो रहा e पावर x x log x, ये क्या है बच्चों,
ये है v dv by dx, dv by dx. यहाँ यहाँ मैं एक गड़बड़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ x by e है, यहाँ e by x है, तो इसको सीधा करूँगा तो माइनस का फर्क आएगा भाई, सॉरी ये ऐसे बनेगा. तो ये है प्लस, तो ये एक तरह से मुझे दिया हुआ है, ठीक है. तो आप इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा u by 2 और प्लस v, और लिमिट है x बराबर 1 से लेके x बराबर e तक. चलो जी लिमिट डाल दो इसमें, x का वैल्यू e. अच्छा पहले वैल्यू डालना चाहोगे, u by 2, u by 2 हो गया x अपॉन e की पावर 2x और 1 by 2, प्लस v हो गया e by x की पावर x और लिमिट है 1 से e. और अब फाइनल स्टेटमेंट अपना, तो थोड़ा सा हम स्पेस चाहिए होगा अपने को, इसको ऊपर घिसका लेते हैं. अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये देखते हैं बच्चों. e पुट करो, देखो ये 1 हो जाएगा, तो हाफ यहाँ e डालोगे तो 1, माइनस 1 डालो तो हाफ और e स्क्वायर आएगा नीचे ऐसे, इसमें 1 डालोगे तो प्लस का e आएगा. ये 3 बाई 2 हो गया, 3 बाई 2 माइनस e माइनस हाफ e स्क्वायर, ये रहा जी आंसर आपका. ओके तो आंसर सही है. थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है. ओके पहचान पाए आप इसको, देखो इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना. इसको देखो अगर हम इसका आर एट टर्म लिखें सीरीज का, तो n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा. यहाँ r का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है. लास्ट टर्म को ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं n बटे 5n स्क्वायर, और 5n स्क्वायर बन जाएंगे n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, यानी लास्ट टर्म में r का वैल्यू क्या डाला गया है 2n, ठीक है बच्चों. अब यहाँ से आप n स्क्वायर कॉमन लेके इसको ऐसे लिख दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके 2n तक, 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, एक n यहाँ से कट गया, एक बाई एक n बाहर निकल गया, 1 प्लस r बाई n का स्क्वायर, ठीक है. और अब आपको ये याद होगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन. कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट 1 है तो यहाँ आएगा 0, ये 2n है इसमें n का भाग दो बच गया 2 ऐसे. और ये हो गया बच्चों tan इनवर्स x लिमिट 0 से 2, तो आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 4. tan इनवर्स 0 0 होता है, तो tan इनवर्स 4, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 आएगा, 4 क्यों बोल रहा हूँ, है ना, tan इनवर्स 2 ये आंसर. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. साइन 5x by 2 अपॉन साइन x by 2, इसको क्या करो, ऊपर नीचे 2 cos x by 2 से गुणा करो. देखो एक मिनट रुको, बिल्कुल ऐसे ही करो, ऐसे लिख दो 2 साइन 5x by 2 cos x by 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x by 2 cos x by 2 dx. पहचान गए इसको, ऊपर तो देखो बनेगा जो बनेगा, नीचे तो बन गया साइन x. ऊपर 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा दो तो आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी, इन दोनों का टोटल यानी साइन 3x प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा साइन 2x. देखिए साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और ये साइन 2x को लिख सकते हैं हम 2 साइन x कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय है साइन x और dx. तो ये साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा हर एक टर्म से. ओके कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये कैंसिल आउट होने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 3 और प्लस 2 cos x, है ना, इसको लिख लिया मैंने पहले क्योंकि इसी अभी बात की. देखो ये बनेगा माइनस 4 साइन स्क्वायर x, और 4 साइन स्क्वायर x का मुझे इंटीग्रेशन करना है ना, तो मैं साइन स्क्वायर x को लिख दूंगा 1 माइनस cos 2x by 2 और ऐसे, ठीक है. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इंटीग्रेशन से पहले. ये 3 है देखो, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो माइनस 2, तो ये 1 बचेगा प्लस का 2 cos x प्लस के 2 cos 2x
dx. अब इंटीग्रेशन करने की बारी, तो आंसर है x प्लस 2 साइन x प्लस साइन 2x बाई 2 होगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस ये आंसर है बच्चों x प्लस 2 साइन x, x प्लस 2 साइन x प्लस साइन 2x, ये रहा. सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. 21. ओके, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर में, तो बड़ा आसान है. देखो अगर आप जी ऑफ एफ एक्स को देखें तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, सही है. और देखिए अगर मैं जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स को देखूं तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स डालो इसमें, 2 प्लस एक्स कॉस में माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको. और इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको पलट लूँ यानी इसकी पावर माइनस वन कर ले तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस जी ऑफ एफ एक्स. यानी कि ये जो फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स, ये कैसा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का माइनस ए से ए में इंटीग्रेशन हमेशा जीरो आता है. सो योर आंसर इज जीरो. सो वेयर इज जीरो, ये रहा देखो लॉग वन, इसकी वैल्यू जीरो ही होती है. 22. लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जी एक्स, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमें चेक करना है. आइए इसको भी देखते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं ऐसे. ओके, नॉन जीरो इवन फंक्शन. देखो गौर करने वाली बात क्या है, जी इवन है, तो लिख लेता हूं मैं ताकि मुझे याद रखे. जी इवन है मतलब जी ऑफ माइनस एक्स और जी एक्स बराबर ही होगा, इसको यूज करना पड़ेगा हमें. अगर जी इवन है ना और ये जी का इंटीग्रेशन है जीरो से एक्स में, तो ये ऑड होगा डेफिनेटली. क्या होगा, एफ एक्स मस्ट बी ऑड. अगर आप लिमिट ऐसे जीरो से लेके और एक्स तक रखते हैं, लोअर लिमिट जीरो रखते हैं, है ना, तो इवन का डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑड होता है, ऑड का डेफिनेट इंटीग्रेशन इवन होता है. तो एफ एक्स पक्का ऑड है, ये ऑड है, इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स के, जरूरत पड़ने पे इसको भी यूज करेंगे हम. एक चीज़ ये दी हुई है ही मेरे को, एफ ऑफ एक्स प्लस 5 जी एक्स के बराबर है और मुझे बताना है जीरो से एक्स एफ टी और डी टी, ठीक है, इसको जी की फॉर्म में लाना है ऐसे. तो देखो मैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करता हूँ सबको, इधर से शुरू कर देते हैं. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस एफ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस जीरो से एक्स एफ ऑफ माइनस टी और डी टी, ठीक है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी ये वाली लगा ली भाई, अब आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही लगानी है. एक फिर देखो वहाँ पे क्या x प्लस 5 है, x प्लस 5 बनेगा तब जी एक्स बनेगा. तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ माइनस टी को पुट कर देता हूँ u प्लस 5, करेक्ट, तो ये जी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और देखते हैं लिमिट में कोई फ़ायदा होता है क्या, अगर मैं t का वैल्यू 0 रखूँगा तो u का वैल्यू आएगा माइनस 5, ठीक है, t का वैल्यू x रखूँगा, तो चलिए चलाते हैं बात को. और माइनस डी टी हो गया बेटा डी यू. ये सब्सिट्यूशन अगर मैं कर दूँ तो मुझे ऐसे मिलेगा, देखो एफ ऑफ यू प्लस 5, सही है, और डी टी विल बिकम माइनस डी यू, तो उससे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ डी यू हो जाएगा, ये प्लस, ये पहले वाला माइनस प्लस हो गया ना. टी का वैल्यू 0 लोगे तो यू का वैल्यू आएगा माइनस 5, और जब यहाँ एक्स रखोगे तो आएगा माइनस एक्स माइनस 5, यानी माइनस 5 प्लस एक्स. चलिए कुछ हद तक तो चीज़ें आ गई है. अब u प्लस 5, एफ ऑफ u प्लस 5, अब इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ भाई, एफ ऑफ u प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, जी यू. तो दिस कैन बी रिटन माइनस 5 से माइनस ऑफ 5 प्लस एक्स और जी यू और डी यू, ठीक है. अभी तो ये प्रॉपर्टी यूज नहीं, अब इसको यूज कर लेते हैं. जी यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस 5 से माइनस 5 प्लस एक्स और जी ऑफ माइनस यू और डी यू, करेक्ट. अब सारी प्रॉपर्टीज यूज हो गई, अब मुझे वापस जी के अंदर टी बनाना है. देखो तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं माइनस यू को टी मान लेता हूँ, तो डी यू बराबर हो जाएगा माइनस डी टी, और ये इंटीग्रेशन अब ऐसा दिखाई देगा जी टी,
माइनस डी टी, ठीक है। इफ यू पुट u इक्वल टू माइनस फाइव, टी विल बिकम फाइव, और यहाँ बन जाएगा फाइव प्लस एक्स। तो ये आंसर है भैया, इसको देख लो कहीं मिलता है आपको ये। अच्छा देखो, ये माइनस हटा देता हूँ मैं, है ना, तो उसके लिए हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, फाइव प्लस एक्स से लेके फाइव तक, और जी टी डी टी ऐसा लिख सकते हैं, फाइव प्लस एक्स से फाइव तक जी टी डी टी, ये रहा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो देखो इसमें सारी प्रॉपर्टी यूज हुई है कि एफ ऑड है, जी इवन है, और एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव जी एक्स है। ये एक और रूटीन क्वेश्चन है, यहाँ से x पावर सिक्स को बाहर निकाल लो, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन x पावर सिक्स प्लस वन की पावर टू बाई थ्री, बाहर आएगा वो x पावर फोर बन के, जिससे गुणा होकर x पावर सेवन हो गया, साथ में dx हो गया। अब मेरे ख्याल से आप लोग इसको खुद ही कर लोगे, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको t मान लेना। तो माइनस सिक्स और dx अपॉन x पावर सेवन इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर डी टी, ये सब्सिट्यूशन कर दो आप इसमें, डी एक्स अपॉन एक्स पावर सेवन है तो ईजिली ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप डिनोमीटर में ले जाके लिखें तो ऐसे बनेगा, ये कॉस की पावर टू बाई थ्री एक्स और साइन की पावर फोर बाई थ्री एक्स। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक, पहले तो इसका पैटर्न क्या, देखो कि साइन और कॉस दोनों की, डिनोमिनेटर में दोनों की पावर का सम जो है ना वो एक इवन नंबर आना चाहिए। तो आप यहाँ जोड़ेंगे भी तो टू आ रहा है, ये बेस्ट सिचुएशन है। तो इसको टेन एक्स में बदल सकते हैं, टेन एक्स को टी मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो टेन एक्स में कैसे बदलें इसको, देखिएगा ये फोर बाई थ्री साइन एक्स सही है, और ये कॉस एक्स का पावर है मेरे पास कितना है अभी, टू बाई थ्री है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कॉस एक्स की पावर फोर बाई थ्री से भाग दे दिया, तो यहाँ पे गुणा भी कर देते हैं, तो इसमें ऐड हो जाएगा ऐसे और dx। और अब देखिए ये क्या बन गया, ये चीज़ बन गई cos स्क्वायर, जो ऊपर आके बन गया बच्चों sec स्क्वायर x dx, नीचे ये बन गया tan x की पावर 4 बाई थ्री। अब आप समझ गए होंगे, अगर आप tan x को t मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया dt टी डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 बाई थ्री, यानी ऊपर लाओगे तो t की पावर माइनस 4 बाई थ्री, माइनस 4 बाई थ्री में 1 ऐड करोगे तो माइनस 1 बाई थ्री, तो आपको मिलेगा माइनस वन अपॉन थ्री और टी की पावर वन बाई थ्री प्लस सी। टी का मतलब है टेन एक्स, तो कौन सा सही हुआ, नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया ना, नीचे वन बाई थ्री बोला मैंने तो ऊपर आ जाएगा थ्री, ये आएगा तो माइनस थ्री और टेन एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री, ये रहा जी सही आंसर आपका। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए इसको कैसे निपटाएं। साइन क्यूब एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, जस्ट अ मिनट एक बार सोचने दो थोड़ा सा। चलिए मेरे को लग रहा है इसमें सबसे पहले तो मैं यूज़ कर लेता हूँ किंग रूल, मुझे आई बराबर गिवन है, ऐसे मान लो जीरो से पावर टू और साइन, हाँ क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है, बहुत इजीली हो जाएगा। अब लगा लो बच्चों तुम किंग रूल, तो ये आई बराबर हो गया जीरो से पावर टू और कॉस क्यूब एक्स, जानते हो ना किंग रूल, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स डाल देंगे तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब जैसा हम हमेशा करते हैं, इन दोनों को क्या करो, ऐड कर लो, इनको ऐड करते ही आपको मिला टू आई बराबर जीरो से पाई बाई टू, और देखो डिनोमीटर तो सेम है तो ये ऐड हो कैसे बनेगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी का पूरा पूरा भाग जाता ही जाता है, तो आई बराबर आपको मिलेगा जीरो से पावर टू, क्या आएगा वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो वन हो गया, और आएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैं उसको साइन टू एक्स बाई टू लिख लेता हूँ। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली चीज़ यूज़ की है मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वन हो गया, और साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने साइन टू एक्स बाई टू लिख लिया ताकि आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। बराबर देखिए वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया है, साइन टू एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, तो यहाँ फोर बन गया, साथ में जीरो से पाई बाई टू हो गया है। ओके आ जाओ जी, यहाँ लिमिट डालोगे पाई बाई टू आएगा, यहाँ आ जाओ वन बाई फोर अपनी जगह है ही, देखिए पाई बाई टू डालोगे बनेगा कॉस पाई जो माइनस वन हो गया,
फिर माइनस जीरो डालोगे तो बनेगा वन, तो कुल मिला के माइनस टू हो गया, तो आपका आंसर हो गया पाई माइनस वन बाई टू, ये रहा पाई माइनस वन बाई टू। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ किंग रूल का यूज होना था इस क्वेश्चन में, जिससे थोड़ा आसान हो गया, इंटीग्रेशन तो खैर उसके बाद भी करना ही पड़ा हमें। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, एफ ऑफ टू का वैल्यू दिया हुआ 6, ये लिमिट निकालनी। देखो इस क्वेश्चन को, ये तो बड़ा आसान हो गया यार, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखो 6 से एफ ऑफ एक्स 2t dt डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और लिमिट x टेंस टू 2, 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और लिमिट x टेंस टू 2। आई होप चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लो बच्चों, तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू 2 और क्या बन गया 2 एफ एक्स एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय 1 और अब लिमिट डालोगे तो 2 एफ 2 और एफ डैश 2, एफ 2 का वैल्यू दिया हुआ 6 तो 12 टाइम एफ डैश 2, 12 टाइम एफ डैश 2 वो रहा फर्स्ट आंसर आपका सही है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन dx इज ओके। देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पहले तो इस इंटीग्रेशन आई को ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1, एक्स तो अपनी जगह है ही, कॉट इनवर्स को अगर टेन इनवर्स में बदल के लिखो तो ये नीचे ऐसे बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, और 1 अपॉन दिस। तो ऊपर वाले 1 को मैं क्या लिख देता हूं, ऊपर वाले 1 को मैं लिख देता हूं भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे डीएक्स, करेक्ट। अब ध्यान दो इस पर जरा, ये कुछ ऐसा बन गया 0 से 1 और एक्स और साथ में टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो उसको लगा लिया मैंने। और इसको आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को ना टी मान लेता हूँ, तो एक्स डी एक्स बन जाएगा बच्चों डी टी बाई टू। और ये सवाल अब आपको ऐसे दिखाई देगा, आई बराबर 0 से 1, लिमिट वही रहेगी 0 से 1 है ना, क्योंकि 0 डालोगे 0 आएगा, 1 डालोगे 1 आएगा, x dx बन गया dt by 2 और ये क्या बन गया 1 by 2 tan inverse t और minus 1 by 2 0 to 1 tan inverse t minus 1 dt, that's all, okay, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, ऊपर ले चलते हैं इसको थोड़ा ऐसे यहां तक, ओके जी। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं क्या लगा दूं, किंग रूल लगा दूं, तो इसमें टी को हमको क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस टी, तो इसमें 1 माइनस टी डालोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, देखो केवल इस टर्म की बात कर रहा हूं, माइनस हाफ तो है ही 0 से 1 और ये बन जाएगी टेन इनवर्स 1 माइनस टी माइनस 1 यानी माइनस टी डी टी, और टेन इनवर्स में आप जानते हो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आ गया, इससे कट के प्लस का हो जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी टर्म है ना इसमें कन्वर्ट हो गई हो। और देखो ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो चुका भाई, प्लस बन गया है, तो ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगी 0 से 1 टेन इनवर्स टी और डी टी। और टेन इनवर्स टी का डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन आता होगा आई होप, क्या होता है टी टेन इनवर्स टी माइनस हाफ लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर लिमिट 0 से 1। देखिए इसको, देखो इसमें 1 डालोगे तो क्या आएगा 1 × 10 inverse 1 π/4 माइनस हाफ लॉग 2, ठीक है 0 डालो 0 हो गया लॉग 1 0 हो गया, ये आंसर है π/4 माइनस हाफ लॉग 2, ये पढ़ा भाई आपका आंसर, ओके। चलिए लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ओके जी ओके। देखो क्या है ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये कह रहा है e की पावर sec x f x इसका इंटीग्रेशन है ना, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, या ऐसे समझ लो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं,
ओके, या डिफरेंशिएशन करके देख लो। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, देखो ऐसे आएगा e की पावर sec x का करोगे e की पावर sec x, ठीक है, फिर sec x का करोगे sec x tan x, है ना, इंटू एफ एक्स, फिर प्लस क्या कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर sec x एफ एक्स, सही है। और आएगा अब की बार e की पावर sec x एज इट इज, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, है ना, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स। तो बच्चों अगर आप इसको कंपेयर करो, देखो यहां से, तो देखो ये वाला पार्ट तो एज इट इज कंपेयर हो ही रहा है, इसकी इससे तुलना करने से आपको मिल गया कि भैया एफ डैश एक्स क्या होगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x। तो अगर सोचो ये एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, sec x tan x का इंटीग्रेशन करो, sec x tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x, sec स्क्वायर x का हो गया tan x प्लस में c, तो c कुछ भी ले सकते हैं आप संभावित विकल्प में से। तो फिलहाल तो बताइए कौन सा सही हुआ, किस में आपके पास sec x प्लस tan x आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द ओनली पॉसिबल, c का वैल्यू हाफ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा 29, फिर से सीरीज है जिसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे लिखना होता है, पहले लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका rth टर्म अगर हम लिखें तो ऐसा आएगा n प्लस r डिवाइडेड बाय n की पावर 4/3 और इसकी पावर 1/3, और इसमें r का वैल्यू फर्स्ट टर्म में 1 रखा गया है और लास्ट टर्म में r का वैल्यू n रखा गया है, ऐसे। यहाँ पे हमें r बाई n का फंक्शन बनाना होता है और 1/n बाहर लेने होते हैं, तो यहाँ देखिए सीधे सीधे हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्या n, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर बाई एन उसकी पावर 1/3, बाहर आएगा n की पावर 1/3 जो इससे कटेगा, तो यहाँ बचेगा 1/n, और इसको लिख देता हूँ सिग्मा r का वैल्यू 1 से n तक और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ऐसे ना, हाँ भाई क्या होगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस आर बाई एन की जगह x डाल दो 1/3, और इसका तो इंटीग्रेशन करना है, लिमिट यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0, अपर लिमिट n है, n में n का भाग दोगे 1, ये लो जी 1 प्लस x पावर 1/3, तो 1/3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3, तो आपको मिलेगा 3/4, और 1 प्लस x की पावर 4/3 जिसमें लिमिट डालनी है 0 से 1, तो आपका आंसर है 3/4, 1 डालोगे तो 2 पावर 4/3 माइनस 1, 2 पावर 4/3 माइनस 1, 3/4 के साथ ये रहा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, 0 से 2π sin 2x प्लस दिस, देखिए ऐसे करेंगे इसको, i बराबर 0 से 2π ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin 2x इंटू 1 प्लस cos 3x, ऐसा मान लेते हैं इसको dx, और यहां कर लेते हैं 1, करेक्ट भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लगा दो बच्चों किंग रूल, क्या लगा दो, किंग रूल, किंग रूल लगाएं, किंग रूल तो आता है सभी को, है ना, इसमें हम x की जगह क्या डाल देंगे 2π-x, तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पुट करोगे ना 2π-x तो बनेगा sin 4π-x, और sin 4π-x होता -sin x, यानी बॉक्स के अंदर आया -sin 2x, 1 प्लस यहां बनेगा cos 6π-3x, cos 6π-θ cos थीटा ही होता है, तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे कैसा ही रहेगा, रिलेशन नंबर 2। और अब जैसा हम करते आए हैं किंग रूल लगाने के बाद, इन दोनों टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा 2i बराबर 0 से 2π बॉक्स ऑफ, इसको पूरे को एफ एक्स बोल देता हूँ ऐसे ही, है ना, एक बार प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एफ एक्स, इस तरह की टर्म आ गई, और डी एक्स, और भाई बॉक्स ऑफ एफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, -1, ये आपको याद होना चाहिए, किसी भी नंबर का नॉन इंटीजर, किसी भी नॉन इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके नेगेटिव के ग्रेटेस्ट इंटीजर का टोटल आता है -1, तो अगली स्टेप में ये बन जाएगा 0 से 2π -1 dot dx, तो फाइनली वर्ड -2π, तो भैया i का वैल्यू आ गया -π, तो आपका आंसर सही है, ये p नहीं है यहाँ पे, ये पाई है बेसिकली,
ओके, ये सारे ऑप्शन में इस तरह से है। तो करेक्ट आंसर है माइनस पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पहले भी AI EEE में आया हुआ, जिस समय AI EEE होता था या जिसको JEE मेंस अब हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। आइए देखिए कैसे करें इसको। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन I, ये है 1/स्क्वायर, किसका स्क्वायर भाई, इसको ध्यान से देखिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं x-1 का स्क्वायर प्लस के 9। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही होता है। क्या करो बच्चों, x-1 को मान लो 3 tan थीटा, तो dx क्या हो गया, 3 sec² थीटा d थीटा, और सवाल आपका ऐसे हो गया 3 sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, हाँ जी यहाँ डालो, यहाँ हो जाएगा 9 tan² थीटा प्लस 1, यानी 9 sec² थीटा उसका भी स्क्वायर, यानी 81 sec⁴ थीटा, कुल मिला के 1/27 cos² थीटा। cos² थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम, 27 × 54 1/54, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos² थीटा को लिख देते हैं 1 cos² थीटा d थीटा, ये हो गया 1/54 थीटा प्लस cos² थीटा का क्या होगा, sin² थीटा/2 प्लस सी। वापस से वैल्यू डालने की बारी, sin² थीटा, देखो 10 थीटा को मैंने माना था ना, तो मैं sin² थीटा को भी 10 थीटा की फॉर्म में बदल देता हूँ, इधर ही आ जाओ वापस, 1/54 थीटा प्लस sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 cos² थीटा, आप कहोगे 2 कहाँ गया, 2 से कट गया है ना, नीचे ये भी तो 2 था। अब वैल्यू डाल दो बच्चों, तो 1/54 थीटा का मतलब हो गया 10 inverse x-1/3 यहाँ से, और उधर देखिएगा यहाँ क्या बनेगा, 10 थीटा x-1/3, 3 अभी ला रहे हैं नीचे से, देखो 1 plus यहाँ आएगा x-1² / 3², यानी 9, तो वो यहाँ 9 बना देगा और वो 9 ऊपर जाएगा, वो 3 से कट के 3 बचेगा। अब आप अगर इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो देखो a का वैल्यू तो है 54 और fx है ये वाला टर्म, आप पहचान ही रहेंगे, ये तो वही चीज़ है जो हम शुरू में लेके चले थे, ये वाली तो है कहीं ऑप्शन, ए का वैल्यू 1/54, ये 2 ऑप्शन है, तो fx 3 × x-1 पहला ही आंसर आपका करेक्ट है। चलिए जल्दी से आ जाओ 32 क्वेश्चन पे। ओके, ये 32 अभी अभी आपको याद होगा मैंने एक सवाल किया था, उसमें e^-4x³ था है ना, यहाँ 4x² है, ठीक वैसे ही करना है, e^-x² है, 1x यहाँ लिखो, x⁴ यहाँ लिखो, ठीक है भाई, -2 यहाँ कर दो dx के साथ में, तो इसको एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं माइनस का ऐसे, और माइनस, ठीक है यही सब कुछ है ऐसे, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, -x² को बच्चों t मान लो, तो -2x dx हो गया dt, और ये सवाल आपको ऐसे दिखाई देगा, -1/2 t² और e^t और dt, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2t, इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस 2 और e^t प्लस c, e^t यानी कि e^-x² को बाहर निकाल लो, यहाँ बच गया देखो -½ × ये x² यानी x⁴ -2t, तो 2 और t का मतलब क्या, -x² और प्लस के 2 प्लस c, ये लो जी। तो ये जो सारा है, ये सब, ये यहां से लेके यहां तक, ये सारा क्या हो गया अपना, gx हो गया, तो तुम्हें क्या निकालना, g(-1)=, तो वो हो गया -1/2, इसमें -1 डालोगे तो आएगा 1 + 2 + 2, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, -k^2, ये रहा आंसर। अगले सवाल पे आ जाइए, 33। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था मैंने, है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ ऐसे, और वही
ये हो गया साइन की पावर 4/3x और कॉस की पावर 2/3x, और दोनों पावर का सम जो है वो इवन नंबर आ रहा है, तो ठीक उसी तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 10x को t मान के, तो उसको आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ये रहा, देखिए इसको क्या करो, ऊपर नीचे ना एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, 2x माइनस 1/x स्क्वायर, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और काम खत्म हो गया बच्चों। सर दिखाई दे गया होगा आपको, अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो ऊपर डी टी बन जाता है, तो कुल मिला के आ गया लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो तो लॉग इसको टी माना है तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर प्लस सी, ये रहा एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, ये रहा आंसर, तो फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 36 कैसे आ गया भाई, 35 cot x अपॉन cot x प्लस cos x इस तरह से है, तो cot cos समझ में आता नहीं है, sin cos में बदल डालो, ऐसे दिखाई देगा आपको i बराबर 0 से पाई बाय 2 cos x बटे cos x प्लस 1, ऐसे बन जाएगा ये, राइट। अभी क्या करो, इसमें ना प्लस 1 माइनस 1 ऐसे कर लो, दो पार्ट कर लो 0 से पाई बाय 2, देखते जाना ध्यान से, कॉस एक्स प्लस वन में कॉस एक्स प्लस वन का भाग देंगे माइनस वन, और माइनस 1/ कॉस एक्स प्लस वन, कॉस एक्स प्लस वन बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बन जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ये किसका डिफरेंशिएशन है, x माइनस 10x बाई 2 का, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गई, आंसर आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस 1, 0 डालने पर 0 हो जाएंगे, तो है कहीं आंसर। ओके इसको अभी भी ढंग से लिखना है, ऐसे इसको लिखना है पाई माइनस 1/2, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं बच्चों, तो m का वैल्यू तो है हाफ और n का वैल्यू है माइनस 1, तो m इंटू n हो गया माइनस हाफ, तो ये रहा आपका आंसर सही। 36 क्वेश्चन पे आ जाओ, r से डिफरेंशिएबल फंक्शन है f(2,6) से f(2), ये और ये सब है gx, ओके जी कंटिन्यूस फंक्शन है ना, लिमिट निकालनी है, तो इसको ऐसे करेंगे हम, देखो इस जी एक्स को आपको लिखना चाहिए यहाँ से 6 से लेके एफ एक्स तक 4t³dt/x-2 और लिमिट x→2, ये आपको कैलकुलेट करना है, समझ गए, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किए तो थे, इसका डिफरेंश सॉरी इंटीग्रेट ही कर लेते हैं, लिमिट x→2 क्या बन जाएगा ये 4t³, तो 4t³ किसका इंटीग्रेशन हो गया, t की पावर 4, यानी आपको मिला एफ एक्स की पावर 4 माइनस 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x-2, f(2) का वैल्यू 6 है ऐसा गिवन है, और f(2) का वैल्यू 1/48 है, तो ठीक है डिफरेंशिएट कर दो यहीं पे, पहले कर देते डिफरेंशिएट, है ना, क्या आएगा देखो, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ मैं, LH रूल, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव लाना है, तो डेरिवेटिव लाने का यही तरीका है यहाँ पे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ऐसा आएगा 4 एफ एक्स का क्यूब और f'x नीचे 1 हो गया, अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा देखो 4 f(2) का क्यूब यानी 6 का क्यूब इंटू f'2 यानी 1/48 कितना हो गया, ये आइए देखते हैं कितना हो गया, देखिए 6 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ रह जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 8 टाइम कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दो 2 टाइम हो गया, 36 में 2 का भाग गया 18 आ गया 18 है, ये रहा। चलो अगले सवाल पे आ जाओ, 37, ये तो बेहद ही आसान है, इसको क्या करो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तो बड़े आसान है यार, 1/(x+α - 1/(x+α+1), देखो जरा सब्ट्रैक्ट होके 1 बचेगा ऊपर, ये बन गया ऐसे, और लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस 1 और dx, और ये कितना आसान है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग मॉड x+α - log mod x+α+1, और साथ में इधर अल्फा से अल्फा प्लस 1, ये x की लिमिट डालनी है मुझे, आगे बढ़ता हूँ देखो, ऑप्शन रख लो यहाँ पे, ओके जी, तो बच्चों लिमिट डाल देते हैं,
अल्फा प्लस वन डाल देता है तो आपको मिलेगा लॉग मॉड टू अल्फा प्लस वन माइनस, इसमें डालो अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन हो गया टू अल्फा प्लस टू, तो लॉग मॉड टू अल्फा प्लस टू। ओके अब माइनस, इसमें अल्फा डालो तो लॉग मॉड टू अल्फा माइनस लॉग मॉड टू अल्फा प्लस वन, ये बन गया बच्चों सारा। देखो मेरे को लग रहा है ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, ऐड होगी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, कैंसिल आउट नहीं होगी, ये कैंसिल वाला साइन काटो, रीडू करते हैं। देखो हाँ ये तो ऐड हो जाएगी ना, ये प्लस की है, ये भी प्लस का है, तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ लॉग के अंदर। देखो क्या बनेगा, ये और ये ऊपर आएगी, टू अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो ये नीचे हो गया टू अल्फा, और यहाँ से भी टू कॉमन ले सकते हैं, और ले लो लेना चाहो तो, यहाँ पे फोर कर देते हैं ना, फोर अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन, ये आ गया अपने पास फाइनली। और ये मुझे दिया हुआ है कि 9/8 के बराबर है, अभी तो इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है, लॉग 9/8, ये लॉग 9/8, लॉग से लॉग काट देता हूँ मैं, और इसको सॉल्व कर लेते हैं अब अपन। तो देखो क्या मिला, 8 गुणा 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, अच्छा 8 को काटो ना या 4 से, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1 बराबर 9 इंटू अल्फा प्लस 1। ओके सबको एक तरफ कर लेते हैं, भाई इसको ध्यान से देखते हैं ना, कुछ कैलकुलेशन मैंने ना यही निपटा दी है, ये लॉग लॉग काट दिए, चार से इसको काट दिया, दो बार दो को उधर ले गया और ऐसे लिख दिया इसको, है ना। और अब ये देखो कितना हो गया, तो हो गया 8 अल्फा स्क्वायर, इधर हो गया 9 अल्फा स्क्वायर, तो बचेगा उधर अल्फा स्क्वायर, इधर हो गया 8 अल्फा, उधर 9 अल्फा, तो उधर ही बचेगा अल्फा, और ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 बराबर 0, इसके दो फैक्टर हो गए अल्फा प्लस 2 और अल्फा माइनस 1 बराबर 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 और माइनस 2। वापस चलते हैं सवाल पे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें ये रहा क्या क्या आया था वैल्यू, 1 और माइनस 2, तो ये रहा जी माइनस 2, तो करेक्ट आंसर है अपना माइनस टू, सॉरी माइनस टू। 38 क्वेश्चन पे आ जाओ, लेट ए बिलोंग्स टू, ये भाई बिलोंग्स टू का साइन है जो यहाँ थोड़ा प्रिंट सही नहीं हुआ है, ये पाई है, ए का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में है, और ये इंटीग्रेशन ऐसा है तो मुझे क्या करना, ए और बी निकालना, कुल मिला के इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखो इसको साइन कॉस में बदल लो, बदल लिए, अब जरा सोचो ये क्या बनेगा, अगर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो ये ऊपर तो बन जाएगा बच्चों साइन x प्लस अल्फा, और नीचे बन जाएगा साइन x माइनस अल्फा, और ऐसे इंटीग्रेशन एनसीईआरटी में भी है, इनको सॉल्व करने का क्या टेक्निक है, ऊपर वाले को लिखो साइन x माइनस अल्फा और प्लस टू अल्फा, ऐसे लिखो नीचे साइन x माइनस अल्फा, और अब आप इसमें साइन a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लगा दो ऊपर, तो पहला टर्म आएगा साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस टू अल्फा, उसमें इसका भाग दोगे तो बचेगा केवल कॉस टू अल्फा, प्लस अगले टर्म में आएगा इसका साइन, यानी कि साइन टू अल्फा और इसका कॉस, कॉस में साइन का भाग दोगे तो यहाँ बचेगा कॉट एक्स माइनस अल्फा और डी एक्स। और अब मैं इसको कर लूंगा बच्चों इंटीग्रेट, कैसे कर लेंगे इंटीग्रेट, तो देखो इधर इन चारों में से एक ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा, तो क्या होगा देखिए, कॉस टू अल्फा तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स इंटू कॉस टू अल्फा, ये साइन टू अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉट एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, तो इसलिए यहाँ आएगा लॉग और साइन और एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, खत्म हो गया सवाल, मैच कर लो। वापस थोड़ा सा देखते हैं ए और बी क्या है, ए तो है कॉस टू ए के साथ वाली चीज, तो बच्चों ये तो है ए एक्स, कहाँ चलेगा भाई, इधर आइए, ये तो है ए एक्स और ये है अपना बी एक्स फंक्शन, अब आप मैच कर लीजिए,
अच्छा, इसमें अपन प्लस ए और माइनस ए कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कांस्टेंट है, ऐड किया जा सकता है। तो आप तो बी देखिए, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा आ रहा है कहीं? अच्छा, यहाँ अल्फ़ा की जगह ए लिखा हुआ, ये भी प्रिंटिंग एरर है, थोड़ी सी सुधार लें आप इसको। लॉग साइन एक्स माइनस ए ये रहा, ठीक है, और भी है लॉग साइन एक्स माइनस ए ये रहा एक, लॉग साइन एक्स माइनस ए और लॉग साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। और रही बात यहाँ पे, आप यहाँ पे एक्स प्लस ए करोगे तो भी वो ए कॉस टू अल्फा सी में एडजस्ट हो जाएगा, और माइनस ए करोगे तो भी माइनस ए कॉस टू अल्फा सी में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो यहाँ भी बाई एरर दो आंसर क्वेश्चन है, दो आंसर सही है, जबकि मेंस में आप जानते हो सिंगल है, लेकिन उनसे भी एरर हो जाती है कई बार। चलिए जी, अगला सवाल ये रहा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी आर फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर देन। आइए देखिए सॉल्व करते हैं, ए टू बी एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स क्या होगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम इस स्टेटमेंट को समझने से। देखो क्या गिवन है कि एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स गिवन है, ऐसे गिवन है। इसी में सोचो तुम, अगर x की जगह डाल दो x प्लस वन, यानी कि वन प्लस एक्स रिप्लेस कर दें अगर हम, तो ये ऐसे भी बन जाएगा कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स बराबर होगा f ऑफ वन प्लस एक्स के, है ना। ये सब काम आएगा क्योंकि मैं किंग रूल लगाना पड़ेगा मुझे ना इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, तो वो देख लिया मैंने पहले कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो i बराबर मैं मान लेता हूँ वन अपॉन ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, चलिए मल्टीप्लीकेशन में इसके एफ ऑफ एक्स प्लस वन और डी एक्स, लेट ये है बच्चों इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए इसको यूज करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या लगाना चाहिए, किंग रूल। तो अगर मैं किंग रूल लगाऊं तो ये क्या बनेगा, देखो ये लग रहा है थोड़ा लेंदी होगा सवाल, ये आओ सब चीजें लिख ली हमने, ऑप्शन पे ही आ जाते हैं, ये ऑप्शन हमें देखने हैं, चेक करने हैं, ओके। हाँ जी, किंग रूल लगाओ, देखो तो आई बराबर आएगा, आई बराबर आएगा वन अपॉन ए प्लस बी, तो एज इट इज क्या चेंजेस होता है कि इसमें जहां भी एक्स है उसकी जगह आएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हो गया ए से बी, और यहां बन जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स। अब सुनो ध्यान से, यहां डालो ए प्लस बी माइनस एक्स, तो बनेगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, जो किसके बराबर है इधर, एफ ऑफ वन प्लस एक्स के, तो ये एफ ऑफ वन प्लस एक्स में बदल जाएगा, और अगर यहां डालोगे तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स, जो किसके बराबर है एफ एक्स के, तो ये एफ एक्स में बदल जाएगा। अब समझ में आ गया, ये हमें पहले दिख रहा था कि जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी माइनस एक्स बनेगा, तो इसलिए मैंने उसका वैल्यू यहाँ पे पहले निकाल लिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो जैसा आप हमेशा करते आए हैं, ऐड वन एंड टू, तो इधर तो आएगा बच्चों टू आई, इधर देखो वन अपॉन ए प्लस बी तो कॉमन है ना, ए से बी ये भी कॉमन, ये एफ एक्स और एफ ऑफ वन बाई एक्स ये भी कॉमन, ये भी दोनों में है, ऐसे कैसे, डी एक्स भी दोनों में है, तो जुड़ेगा क्या फिर, ए प्लस बी माइनस एक्स में एक्स जुड़ेगा और साथ में बच जाएगा ए प्लस बी और डी एक्स, ये और ये खत्म, ओके। खैर अभी ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि मुझे x प्लस वन और एफ एक्स में से किसी एक को ही रखना है, तो कन्वर्ट करेंगे हम इसको, लेकिन थोड़ा सा इसको और हमें जगह चाहिए होगी, क्योंकि हमें लग रहा है क्वेश्चन और बड़ा है, अभी बात बनी नहीं है, इसको यहीं रखो। एक काम और करते हैं, आ जाओ इधर साइड में, एक चीज़ और देखो। हाँ तो भाई बाल को, जैसे a से b एफ एक्स डी एक्स है मान लो, है ना, अगर मैं इसमें लगा दूँ किंग रूल, क्या लगा दूँ भाई, किंग रूल, तो ये बन गया ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और ये इसके बराबर होता है किंग रूल लगाने से, और ये क्वांटिटी वहाँ से देखो ये बन जाती है ए से बी एफ ऑफ वन प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है।
यानी कि इन दोनों पार्ट का जो इंटीग्रेशन है, ये दोनों पार्ट को अगर अलग अलग करें तो दोनों आपस में बराबर ही हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 2i बराबर, ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम a टू b एफ एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, तो बराबर में 2 टाइम a टू b एफ ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये भी लिख सकते हो। 2 तो खैर मैं आप सबका काट देता हूँ अब यहाँ से, तो i का वैल्यू ये भी है और ये भी है। अब ऑप्शन तो ऐसे हैं लेकिन देखो लिमिट अभी मैच करना बाकी है, तो लिमिट हम देखो किससे मैच कराते हैं और कैसे कराते हैं। a माइनस वन और a प्लस वन इस तरह की लिमिट है, a माइनस वन, जैसे इसको इसी के बराबर ले लें, सोचो, और x को मैं मान लूँ अगर 1 प्लस टी, है ना, समझ में आ रही बात, इस वाले पैटर्न को लेके आगे बढ़ रहा हूं, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i बराबर हो गया देखो f ऑफ 1 प्लस टी और dt, ठीक है, dx बराबर dt हो जाएगा, यहां से साफ साफ नजर आ रहा होगा लीनियर फंक्शन है तो, और x का वैल्यू a डालोगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, a माइनस वन, और x का वैल्यू b डालोगे तो t का वैल्यू आएगा b माइनस वन, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस टाइप का ऑप्शन था एक, आओ देखो सर्च करते हैं, 1 प्लस एक्स में a माइनस वन बी माइनस वन लिमिट ये रहा, तो आपका सही आंसर है बच्चों थर्ड, ओके। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 क्वेश्चन क्या है देखो, ये रहा कुछ, ये बहुत आसान सा सवाल है, P3 प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन को ब्रेक करने वाली, मॉड लगा हुआ है, तो क्या करो 4 अल्फा को तो साइड में रखो, दो पार्ट में तोड़ लो, माइनस वन से जीरो और बच्चों जीरो से टू, माइनस वन से जीरो में एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, जो इस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा ई पावर अल्फा एक्स और डी एक्स। जीरो से टू में एक्स पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा, आपको मिलेगा ई पावर माइनस अल्फा एक्स और डी एक्स। अब ये बहुत आसान से इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो कर लेंगे भाई आप इसको, आ जाइए देखिए आगे बढ़ाते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, पर चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या होगा, 4 अल्फा इसका इंटीग्रेशन हो गया e पावर अल्फा x डिवाइडेड बाय अल्फा, और लिमिट हो गई उसमें माइनस वन से जीरो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर माइनस अल्फा x डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा, तो ये ऐसे हो जाएगा, लिमिट हो गई इसमें जीरो से टू। वैसे देखिए ये अल्फा तो दोनों से कॉमन आके और इस अल्फा से खत्म हो गया, यहां बचा 4, इसमें लिमिट डालो, जीरो डालोगे 1 आएगा, माइनस e की पावर माइनस अल्फा, माइनस 2 पुट करो, e की पावर माइनस 2 अल्फा माइनस 1, और ये वैल्यू अपने को दी हुई है किसके बराबर है भाई, 5 के। आगे की कहानी इधर सुनते हैं, अच्छा आगे में थोड़ी देर के लिए e की पावर माइनस अल्फा को बच्चों क्या मैं लिख रहा हूँ, t, जिससे कि मुझे सॉल्व करने में सुविधा हो। तो ऐसे हो गया देखो 4 इंटू माइनस वन और ये प्लस वन, सॉरी 1 और 1 दोनों प्लस के ही है, 2 माइनस टी स्क्वायर बराबर में है बच्चों 5। सॉल्व करने पर हो गया देखो 4t स्क्वायर प्लस के 4t, और इसको इधर लाओ तो माइनस के 3 बराबर 0, इसके दो फैक्टर हो गए 2t और 2t, है ना, 12 और 4 आ जाएंगे, 3 और 1 प्लस और माइनस बराबर 0। इससे बच्चों तुम्हें e की पावर माइनस अल्फा का वैल्यू यानी t का वैल्यू मिला 1/2 और -3/2। देखिए -3/2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि e की पावर कुछ भी कर लो नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, तो यही बच गया। तो इसका मतलब माइनस अल्फा का वैल्यू हो गया log 1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो गई log 2, तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है log 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 पे, क्वेश्चन नंबर 41, इफ q1 एंड q2 बी रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q इन दिस, वी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो पहले तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, यहां कुछ एरर मुझे जो समझ में आती है सॉफ्टवेयर की, तो यहां थीटा होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन थीटा में ही है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बाद में उसके बारे में बात कर लेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को साइन कॉस में बदल लेता हूँ, मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कर देता हूँ, तो ऐसे दिखाई देगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा रुको ना ऐसे क्यों कर रहे हो, 2
टू कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, माइनस के फाइव कॉसेक थीटा प्लस के फोर बराबर जीरो। सही है, ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगी। कॉसेक थीटा को टी बोल दो थोड़ी देर के लिए, तो टू टी स्क्वायर माइनस के फाइव टी, चार और ये माइनस का दो बराबर जीरो, इसके दो फैक्टर हो गए, टू टी और टी और टू और वन। और जस्ट अ मिनट, ये तो गड़बड़ हो गया ऐसा लग रहा है, प्लस के टू बचे ना ये, हाँ अब सही है, माइनस और माइनस। तो इससे बच्चों तुम्हें टी का वैल्यू यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या मिला? आइदर टू और हाफ। देखिए कॉसेक थीटा हाफ नहीं होता ना, वन से छोटा नहीं होता है, तो कॉसेक थीटा टू होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई हाफ। तो जीरो से टू पाई में जो फर्स्ट सॉल्यूशन आएंगे इसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो एक सॉल्यूशन तो हो गया भाई पाई बाई सिक्स, और उससे अगला एक्स टू हो गया फाइव पाई बाई सिक्स। तो ये दो वैल्यू अपने को पहले यहाँ से निकालनी है, अब यहाँ आ जाओ, ये हो गया थीटा वन कितना हो गया पाई बाई सिक्स, तो इसका पाई बाई सिक्स से फाइव पाई बाई सिक्स में इंटीग्रेट करना मुझे कॉस स्क्वायर थ्री थीटा को। कॉस स्क्वायर थ्री थीटा को तुम क्या लिख लोगे? स्क्वायर है ना, तो वन प्लस कॉस सिक्स थीटा बाई टू और डी थीटा, इंटीग्रेशन करोगे थीटा बाई टू, और इसका करेंगे तो आएगा साइन सिक्स थीटा बाई सिक्स, और टू पहले से ही है साथ में पाई बाई सिक्स से फाइव पाई बाई सिक्स। चलिए देखिए यहाँ आ जाइए, लिमिट डालो भाई, फाइव पाई बाई सिक्स यहाँ डालो तो ये हो गया फाइव पाई बाई ट्वेल्व, यहाँ डालोगे पाई बनेगा फाइव पाई जीरो हो जाएगा, माइनस पाई बाई सिक्स यहाँ डालोगे माइनस पाई बाई ट्वेल्व, ये जीरो हो जाएगा, तो ये कितना हो गया फोर पाई बाई ट्वेल्व यानी कि टू पाई बाई थ्री। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42। ओके कॉस एक्स डी एक्स साइन क्यूब एक्स, और ये रहा इसमें तो सिंपल है, साइन एक्स को टी मान लो आप, साइन एक्स को क्या मान लो टी, तो सवाल ऐसे हो गया कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी टी अपॉन टी क्यूब और वन प्लस टी की पावर सिक्स टू द पावर टू बाई थ्री। ठीक है बच्चों, अब यहां से कॉमन ले लो तुम टी की पावर सिक्स को, तो ये ऐसे हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी की पावर सिक्स प्लस वन टू द पावर टू बाई थ्री और डी टी अपॉन टी पावर सेवन। आगे मेरे बताने की जरूरत नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ आज ही की क्लास में, यही क्वेश्चन था, ये टी पावर सिक्स ही कॉमन लिए थे, बस यहाँ टी की जगह साइन एक्स डाल के एक नया क्वेश्चन बना दिया है, तो उसको इसी तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। आगे इंटीग्रेबल फॉर्म है ये। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलता हूँ, टी साइन टेन टी डी टी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा लो, देखो पहले ऐसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नीचे तो x है ही, ऊपर मैं इसमें क्या कर रहा हूं बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लेता हूं, तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे ना, सबसे पहले आई एल ए टी ई, आई एल ए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो ऐसा था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि माइनस कॉस टेन टी डिवाइडेड बाय टेन, फिर माइनस फॉर्मूले से, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि ये, और फिर इसका एक बार और इंटीग्रेशन, तो देखो ये माइनस तो इसको प्लस बना देगा, कॉस टेन टी का करोगे तो आएगा साइन टेन टी बाई टेन, और एक टेन पहले से है तो ये हंड्रेड हो गया, ये हो गया बच्चों। और लिमिट क्या पुट करनी है आपको इसमें, जीरो से एक्स, अभी मैंने लिमिट नहीं डाली है, इंटीग्रेट ही किया है, आगे बढ़ता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स यहाँ है ही, एक्स पुट करोगे वैसे बनेगा माइनस एक्स कॉस टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन प्लस के साइन टेन एक्स बाई हंड्रेड, जीरो डालोगे साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया। अब देखो इसको एक्स टेंस टू जीरो है ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस कॉस टेन एक्स बाई टेन और प्लस वन बाई टेन और साइन टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स, और अब लिमिट लगा दो आप इसमें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो ये कितना आएगा माइनस वन बाई टेन आएगा बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है, कॉस जीरो वन होता है और ये हो जाएगा प्लस वन बाई टेन, सो आंसर विल बी जीरो, तो राइट आंसर आएगा ये। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप ना एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते थे, उससे और भी जल्दी हो जाता, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर लो और फिर लिमिट लगा दो।
क्वेश्चन नंबर 44। आइए देखिए, यहां मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना, इंटीग्रेशन की रेंज देखनी कि कहां से कहां तक होगा। इसको समझने के लिए मैं ये अंदर वाला फंक्शन उठा रहा हूं पहले, 2x³ - 9x² + 12x + 4। ये आप जानते हैं क्यूबिक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए fx बोल देता हूँ। देखो, अगर मैं f'x निकालू ना तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 6x² - 18x + 12। क्या ये वैल्यू कहीं जीरो होती है? हाँ जी, देखो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 6, तो यहाँ बच गया x² - 3x + 2। फैक्टर करें इसके, 6 × x - 2 और x - 1, ऐसे इसके फैक्टर हो गए। अपने को 1 से 2 के बीच में बात करनी है। देखो बच्चों, ये 1, ये 2 और प्लस माइनस प्लस, ऐसा इसका साइन होगा, यानी 1 से 2 में ये क्वांटिटी कैसी होगी? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब fx डिक्रीजिंग है, सही है? इसका मतलब fx क्या है? fx इज डिक्रीजिंग इन 1 to 2। यानी कि जब x का वैल्यू आप 1 से 2 लोगे तो fx डिक्रीजिंग है, तो अगर मैं इस पे f अप्लाई करूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी f1, fx और f2। तो रूट fx ऐसे ऐसे इधर डालो, देखो 1, इसमें 1 डालो कितना आता है? 1 डालोगे 2 और माइनस के 9, कितने हो? माइनस के 7 और 12, प्लस के 5 और 4 9, तो रूट 9 यहाँ आएगा, यानी कि 3। और 2 पुट करोगे, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 पुट करने पे आएगा 2 × 2 × 8 × 16 = 16 −36 और 24 प्लस के 4 −20 × 4 = 8, तो ये हो गया √8, ऐसे आया। रेसिप्रोकल कर लो, ये रेसिप्रोकल है ना यहाँ पे, तो 1/√fx की वैल्यू, ये साइन चेंज हो जाएंगे, 1/3 से 1/√8 के बीच में आएगी। और अब इंटीग्रेट कर लो 1 से 2 में, तो 1 से 2 में इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये हो गया आई अपना, इधर इसका 1 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे ना, 1 से 2 डिफरेंस कितना? 1, तो ये 1/3 ही आएगा और ये 1/√8 ही आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2, तो आई स्क्वायर कर लोगे तो 1/9 से 1/8 के बीच में आना चाहिए, ये फर्स्ट ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 45। ओके, किंग रूल का सवाल है, आपको भी नजर आ रहा होगा आई बराबर है, अच्छा किंग रूल क्यों, क्वीन रूल लगा दें आप, क्या लगा दो? क्वीन रूल। क्वीन रूल याद है आपको, ये लिमिट आधी हो जाएगी पहली बात, ये फंक्शन एज इट इज आएगा, यानी कि एक्स, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, देखो साइन टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय साइन पावर 8x प्लस कॉस पावर 8x इंटू एक्स, फिर आएगा प्लस, प्लस में क्या आएगा, f(2a − x), यानी f(2π − x) आएगा। अब देखो 2π − x, साइन 2π − x, कॉस 2π − x की पावर अगर 8 है तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये टर्म तो एज इट इज आएगी, ठीक है, और यहाँ फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा 2π − x, और ये टर्म एज इट इज, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम और ऐसे लिख लेंगे, और उसका बेनिफिट ये हुआ कि x से x खत्म हो गया, 2π बाहर आ गया, 2π, और ये हो गया 0 से π, साइन टू द पावर 8x, फिर से साइन टू द पावर 8x प्लस कॉस टू द पावर 8x dx। एक बार फिर से इसमें हम लगा देंगे क्वीन रूल, तो इसमें क्या देखो, अब की बार इसमें पाई माइनस एक्स डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो लिमिट आधी हो जाएगी, इंटीग्रेशन डबल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4π, और 0 से π/2, और साइन पावर 8x अपॉन साइन टू द पावर 8x प्लस कॉस टू द पावर 8x। और अब देखो, अब ये जो फंक्शन है, ये किंग रूल का एक स्पेशल पार्ट हो गया भाई, और वो कौन सा है? देखो ऐसे होता ना, a to b f(x) / f(a + b − x), तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है b − a/2, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ लगा लो, तो ये हो गया 4π × b − a/2, कुल मिला के आंसर आया π². तो ये जो p² आपको दिख रहा है, ये बेसिकली पाई है, p कई बार कंप्यूटर में प्रिंट होते समय पाई बन जाता है भाई, मतलब आप लिखते तो पाई ही हैं और वो पी जैसा बन जाता फॉन्ट अगर मिसिंग हो तो। खैर आंसर है इसका सेकंड
47 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये रहा, ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, देखो कैसे करना होता है। dx अपनी जगह है ही, देखिएगा एक टर्म, दो ब्रैकेट बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। एक तो है x प्लस 4, एक है x माइनस 3, एक की पावर 8/7, एक की पावर 6/7। किसी भी एक को क्या करो, डिवीजन में लिख लो। इसके डिवीजन में मैंने x माइनस 3 लिख दिया अगर, तो इसका मतलब मैंने x माइनस 3 की पावर 8/7 का भाग दे दिया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे x माइनस 3 की पावर 8/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कितने हो गए, देखो ये हो गया ऐसे कुछ x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 की पावर 8/7 इंटू 1/x माइनस 3 का स्क्वायर और dx। ये फंडा तब लगता है जब इन दोनों ब्रैकेट की पावर का सम 2 आ रहा हो। क्यों लगता है, देखो क्योंकि अगर अब मैं x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 को मान लेता हूँ बच्चों t, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा x माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 dx बराबर dt। तो इसको अगर आप यहाँ यूज कर लो, हाँ तो ये ऐसे हो गया कुछ, ये जो टर्म है ये हो गई माइनस 1/7 और dt, और नीचे हो गया t की पावर 8/7, जिसको ऊपर ले आओ अगर आप तो t की पावर माइनस 8/7। इंटीग्रेट करोगे इसमें 1 जोड़ोगे तो t की पावर माइनस 1/7 बचेगा, तो कुल मिला के 1 अपॉन t की पावर 1/7 प्लस c, ये बनेगा आपके पास। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, t क्या था, ये रहा, तो इसका उल्टा ये रहा जी, सेकेंड आंसर सही है, t की वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 47, फॉर ऑल रियल ट्रिपलेट एबीसी दिस दिस देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, कर लो इंटीग्रेट, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। देखो ए का इंटीग्रेशन करोगे x आएगा, ए एक्स आएगा, उसमें लिमिट डालोगे तो a, b और एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर 0 से 1, आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किसी में भी डालो 1 ही बचता है ना, ऐसे ही हो जाएगा सी एक्स क्यूब बाई 3। तो ये वैल्यू है बच्चों इसकी, लेकिन ये वैल्यू ऐसे नहीं बतानी, इनके पैटर्न में बतानी है, तो ठीक है वो भी ट्राई कर लेते हैं। बताओ भाई एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 यहाँ से निकालो ए आएगा, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 यहाँ से निकालो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, एफ ऑफ हाफ और यूज किया हुआ एक एफ ऑफ हाफ निकालो, हाफ डालोगे आएगा ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 4। थोड़ा सा ढंग से लिखें तो 4 यहाँ कर दें, तो 4a प्लस के 2b प्लस का सी। अब इनका कॉम्बिनेशन देख लो कि किस कॉम्बिनेशन से ये वैल्यू आती है, 3f1 इंटू 2 हाफ, 3f1 इसको 3 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, रुको 6f1 और 4f of half कर लेते हैं, 4f of half कर ही लो, देखो 4f of half, क्योंकि ये 4 कटने चाहिए ना ऐसे, हटाओ इसको तभी तो ऐसे वैल्यू का पता चलेगा अपने को, है ना। तो 6f of 1 और 4f of half करूंगा तो ये तो कतई नहीं आएगा देखो, है ना, क्योंकि b और c भी के कोफिशेंट भी इंटीजर आ रहे हैं, जबकि इसमें b और c के कोफिशेंट इंटीजर नहीं है, तो ये गलत है पहला, सारे चेक करने पड़ेंगे मुझे, जहाँ भी मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। सेकंड पे आ जाओ, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ हाफ, इन दोनों को जोड़ के 3 का भाग दोगे तो 2a/3, ये भी गलत है भाई। ये 3/2 के साथ एफ ऑफ हाफ तो वैसे ही गड़बड़ है देखो, क्योंकि इससे इंटीजर कोएफिशिएंट नहीं बनेगा a का, अब तो एक ही बच गया, अब इसको जरूर चेक कर लेते हैं, इसको 4f of half ये रहा ना, इन तीनों को जोड़ो कितना आता है 6a, और उसमें 6 का भाग लगते हैं, एक का कोफिशियंट 1 आ गया, तो यही सही है, सिर्फ एक ही कोफिशियंट से चेक कर लिया हमने, पूरा एबीसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ, ऐसे आप टाइम बचा सकते हो, पूरा क्या सॉल्व करना, एक का कोफिशियंट मैच करके देख लो। अगला सवाल ये रहा, इसको कैसे करोगे, इसको बदल लो बच्चों टेन थीटा में पूरी तरह से, देखो इस sec स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा को, सॉरी sec स्क्वायर थीटा d थीटा बन जाएगा, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा sec 2 थीटा, यानी कि 1 अपॉन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा d थीटा है। और अब आप sec स्क्वायर थीटा को मान लो, मतलब सॉरी tan थीटा को मान लो t,
तो ये ऐसा बन गया, देखो ये ऊपर वाली ये राशि तो क्या बन गई, डी टी, सुनते रहना ध्यान से, ये 1 - t² कॉमन आगे ऊपर आ जाएगा, नीचे ये और ये जुड़े, 1 + t² + 2t, तो ये 1 + t² बन गया। ओहो ये तो कट जाएंगे, देखो दिस कैन बी रिटन 1 - t 1 + t, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 - t / 1 + t ये बचा, और भी आसान होता जा रहा है, तो 2 - 1 + t ऐसे लिख दो, / 1 + t dt, फिर कट गए सब कुछ, है ना। और क्या आएगा देखो आंसर, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो सेपरेट करें अगर मैं इसको, तो 2 / 1 + t तो हो गया 2 log 1 + t, इंटीग्रेशन भी कर दिया है तो 1 + tan θ बन जाए, और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो t इंटीग्रेशन करने पे आएगा, t बोले तो tan θ, ये है भैया। अब इसको कंपेयर करो यहाँ से, लैम्डा टेन थीटा, तो लैम्डा की वैल्यू -1 हो गई, और लॉग 2 log f θ, तो ये रहा f θ, 1 + tan θ, ये f θ है, तो -1 और 1 + tan θ कौन सा ऑप्शन है, -1 और 1 + tan θ, ये वाला, ये थीटा की जगह क्यू प्रिंट है ना। अगले सवाल में आते हैं, 49 क्वेश्चन, फंक्शन एफ 0 to 5 ऐसा डिफाइन है, f1 का वैल्यू 3 है, कैपिटल f दिया हुआ है जी, ओके सुनो देखो कैसे करूंगा भाई, चलो थोड़ा यहां से शुरू कर देते हैं हम सवाल को, आइए देख, कैपिटल f ऑफ x मुझे दिया हुआ है 1 से x t² g t d t, देखिए हमें पूछा क्या है, कैपिटल एफ के लिए पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो ये तो हमें डेरिवेटिव ही बताएगा, तो आई विल फाइंड f'x, तो f'x क्या हो गया, x² और gx का वैल्यू डाल दूं अगर मैं, तो x² और 1 से x fu du, ऐसे। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे 1 पुट कर दूं तो f'1 का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये 1 से 1 हो गया, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट, तो अभी यहां मैक्सिमा मिनिमा ये जानने के लिए मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हुए f"x निकाल लेता हूं, उसका डिफरेंशिएशन देखो, x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और ये टर्म एज इट इज प्लस, अब की बार x² एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया f(x), ठीक है। अब अगर मैं यहां पुट करता हूं f"(1) निकालने के लिए, तो क्या आएगा देखो, ये 1 से 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 1 f1, तो मिला आपको f1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, इसके पॉजिटिव आने का मतलब देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब x = 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा आना चाहिए, लोकल मिनिमा, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो ये बच्चों कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चन, बेसिकली ये सभी बेस्ड थे इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, नेक्स्ट शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो आए 2019 और 2020 में, टिल देन गुड बाय।